करना चाहते हो तुम लोग, सरकार का नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग। ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना। बीजेपी विधायक को क्या हो गया, भूल गई मान मर्यादा, दे दिया तगड़ा झटका। जनता से मांगे माफी नहीं तो जूते निकाल कर इतना मारेंगे कि भूल जाओगे। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, अधिकारियों के खिलाफ उतरी मैदान में। खुर्जा से बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह की बदजुबानी जमकर हुई वायरल। दरअसल हम आपको बताते चले कि आवास विकास के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को जूते मारने की धमकी दे डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में एक मंदिर का चबूतरा जेसीबी से ध्वस्त करने पर जमकर हंगामा हुआ। खबर मिलते ही मौके पर खुर्जा की विधायक मीनाक्षी सिंह पहुंची। स्थानीय लोगों के सामने आवास विकास के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को जूते मारने तक की धमकी दे डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आस्था पे वार करना चाहते हो तुम लोग, सरकार का नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग। ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि भूल जाओगे। खुर्जा से बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने अधिकारियों से कहा कि तुम लोग सावन के पवित्र महीने में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हो, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हो, जनता से मांगो माफी नहीं तो जूते निकाल कर इतना मारेंगे कि सब पता चल जाएगा। हालांकि एसडीओ व सीओ मौके पर पहुंच गए, लोगों को समझा बुझाकर मंदिर तोड़ने के मामले में दोषियों पर एक्शन लेने की बात कही, जिसके बाद लोगों ने अपना प्रोटेस्ट बंद किया। दरअसल पूरा मामला 6 अगस्त का है, जब खुर्जा के आवास विकास कॉलोनी में आवास विकास निगम के कुछ अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। उन्होंने वहां पर स्थित एक मंदिर के चबूतरे को तोड़ दिया। जैसे ही जानकारी कॉलोनी वासियों को लगी तब ये एकत्रित हो गए। काफी संख्या में महिला व पुरुष तोड़े गए चबूतरे के आसपास जमा हो गए, अधिकारियों का विरोध करने लगे। जब इसकी भनक क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गई। लोगों का आक्रोश देख विधायिका मीनाक्षी सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बस उन्होंने आप देखा ना ताव, आवास विकास की संपत्ति निगम के अधिकारियों को धमकाना चालू कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबके सामने माफी मांगो वरना जूते मारेंगे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। एसडीएम सीओ भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। आस्था पे वार करना चाहते हो तुम लोग, सरकार का नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग। ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि भूल जाओगे।